दर्शकों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। इस कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे टीपू का तीसरा आंगल माइस और युद्ध संयोगवश ब्रिटेन के पहले राइनोप्लास्टी के लिए जिम्मेदार था। तीसरा एंग्लो माइसोर युद्ध टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम ने मैसूर साम्राज्य के खिलाफ गठबंधन किया था। 1790 से 18 मार्च 1792 तक कई युद्ध लड़े गए। किसी भी युद्ध के लिए बहुत सारी तैयारियों और निरंतर सैन्य समर्थन की आवश्यकता होती है। उचित आपूर्ति लाइन और बैकअप समर्थन के बिना कोई भी युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अंग्रेजों ने देशी भारतीयों को युद्ध और गैर लड़ाकू दोनों उद्देश्यों के लिए भर्ती किया था। एंग्लो माइसोर युद्धों के दौरान मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सैन्य और प्रावधान की आपूर्ति की जाती थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लेफ्टिनेंट कर्नल वार्ड की कमान के तहत ब्रिटिश युद्ध के मोर्चे पर सैन्य आपूर्ति हुई। ऐसी ही एक खेप युद्ध सीमावर्ती श्रीरंगपट्टनम के लिए भेजी गई थी। माइसोर सेना द्वारा श्रीरंगपट्टनम के पास सामान ले जाने वाली बैलगाड़ियों के आवागमन को बाधित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में कुछ बैलगाड़ियों, चालकों और देशी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। सख्त चेतावनी के बाद गैर लड़ाकू बलों को रिहा कर दिया गया। मारपीट में दोनों पक्षों में हताहत हुए। कुछ सैनिक और साथ ही कुछ बैलगाड़ी चालक बुरी तरह घायल हो गए। इनमें 5 गाड़ी चालकों की नाक क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें एक पारसी बैलगाड़ी चालक कोवाजी भी था। गैर लड़ाकू कर्मियों को चिकित्सा सहायता दी गई और उन्हें वापस अंग्रेजों के पास भेज दिया गया। बदले में अंग्रेजों ने सभी घायलों को पूना भेज दिया। पूना में सर चार्ल्स बोरेमाले पेशवा के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट मिनिस्टर थे। पूना के पास के गांव का एक तेल का पड़ा व्यापारी सर चार्ल्स बोरेमाले के आवास पर गया। सर चार्ल्स ने व्यापारी की नाक के बीच में एक निशान देखा। पूछताछ करने पर व्यापारी ने अपने माथे पर एक और निशान दिखाया। व्यापारी ने बताया कि नाक के पुनर्निर्माण पर उनका ऑपरेशन हुआ था। उसने व्यभिचार की सजा के रूप में अपनी नाक खो दी थी। व्यापारी के गांव के एक कुम्हार ने ऑपरेशन किया था। कुम्हार ने इस तरह के कई स्किन ग्राफ्टिंग किए थे। यह सुनने के बाद सर चार्ल्स बोरेमालेट ने कावासजी और 4 अन्य बैलगाड़ी चालकों के बारे में सोचा जिनकी नाक काट दी गई थी। सर चार्ल्स मालेट ने पूना में सभी 5 बैलगाड़ी चालकों के संचालन का आयोजन किया। इस अभूतपूर्व ऑपरेशन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी चिकित्सकों थॉमस क्रूसो और जेम्स फाइंडले ने देखा। प्रक्रिया के दौरान यहां तक जेम्स स्टुअर्ट हॉल और डॉक्टर बैरी भी मौजूद थे। कुम्हार ने एक पुराने उस्त्रे से ऑपरेशन को 1.5 घंटे में पूरा किया। बेहोश करने के लिए मरीजों को अफीम दी गई। माथे से स्किन ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। यह राइनोप्लास्टी समाचार सबसे पहले बॉम्बे में प्रकाशित हुआ था। सर्जरी के 10 महीने बाद और आर माबोन द्वारा उस चित्र की एक उत्कीर्णन मार्च में प्रकाशित हुई थी। यह 4 अगस्त 1794 को द मद्रास गजट में छपा। अक्टूबर 1794 में लंदन में द जेंटलमैन्स मैगजीन में एक पत्र छपा। 22 अक्टूबर 1814 को जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने ब्रिटेन में पहला प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन किया, जिसमें सेना के एक अधिकारी की नाक का पुनर्निर्माण किया गया था। प्रक्रिया 15 मिनट तक चली बिना किसी संवेदनाहारी के। 3 दिन बाद रोगी की ड्रेसिंग हटा दी गई। डॉक्टर जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने भारतीय सेवा के लेफ्टिनेंट कर्नल वार्ड से कावासकी के मामले के बारे में बहुत अध्ययन किया। उन्होंने सर चार्ल्स मैलेट से भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। अंग्रेजों का इरादा भारतीय राइनोप्लास्टिक व्यवसायियों के कौशल की सराहना करना नहीं था, बल्कि टीपू की छवि को खराब करना था। अक्टूबर 1794 में द जेंटलमैन्स मैगजीन में प्रकाशित संपादक को एक पत्र प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास में और विशेष रूप से सुधारात्मक राइनोप्लास्टी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। कार्पे ने इस विषय पर 1816 में एक पुस्तक प्रकाशित की।
डॉक्टर जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू के दूसरे मरीज कैप्टन लेथम थे, जिनकी नाक प्रायद्वीपीय वामे अलमुइरा की लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। व्यूअर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।